क्या ले आई हो भाई, पूरा फेशियल की दुकान का ले आई हो? बेसिकली ये दो होम्योपैथिक और क्रीम्स हैं और साथ ही ग्लूपेटॉन है, इन दोनों को और इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। इन दोनों को मिक्स करना है ना बस? हाँ, मिक्स काम गया। तुम्हें भी लंबी करी आ रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे बटर नहीं होता है वो, गार्लिक बटर ब्रेड खा रहा हूं मैं। आप लोगों को वैसे दिखा देती हूं, 2 डेज रिजल्ट गारंटेड। साथ ग्लूपेटॉन थाईलैंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। अच्छा। तो यकीन भी चल जाएगी इफ यू हैव एनी। अब क्या करने को, मिक्स कर देना। डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज लिखी हुई है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये थाईलैंड की प्रोडक्ट है और ये व्हाइटनिंग इमल्शन जो है ना वो सोल्यूशन है, इसमें बहुत ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देती है। तो आप देखो जो हीरा की स्किन बहुत ग्लो करती है गाइस, इनका कमाल है। हेलो गाइस, तो आज हम यूट्यूब पर टहलका मचा देने वाली इस क्रीम और इस इमल्शन के बारे में जानने वाले हैं। जनाब आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये फॉर्मूला क्रीम है कि नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, ये अच्छी है, दो दिन में शर्तिया रंग गोरा करने का दावा करती है, क्या ये दो दिन में शर्तिया रंग गोरा करती है या नहीं। और जनाब आज से 3 महीने पहले मैंने इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है, आज मुझे दोबारा से इसका रिव्यू शेयर करने की नौबत क्यों आ गई, क्यों जरूरत पड़ी कि मैंने दोबारा से इसका रिव्यू शेयर किया, अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। तो जनाब दोबारा से इसका रिव्यू शेयर करने की मेन रीजन ये है कि डकी भाई जैसा फेमस यूट्यूबर, सिस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे और बड़े बड़े नाम है यूट्यूब पर जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब मैंने रिसेंटली डकी भाई की वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रही हूं मैं कि ये प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स यार जिनको लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, मतलब मिलियंस में व्यूज आते हैं उनकी वीडियोज के ऊपर, एक एक दिन में 15-15 लाख या 20-20 लाख से भी ज्यादा लोग उनकी वीडियो को देख रहे होते हैं। तो जनाब आप सोचें कि इसको कितनी तादाद में लोग खरीद रहे होंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें कुछ बताते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार ये यूज करें तो हम भी क्यों ना यूज करें, तो वही चीज फिर हम लोग भी खरीदते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं मुझे लगा कि एक, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करती हूं, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आप लोगों को इससे आगाह कर दूं कि ये क्रीम जो है वो यूज करनी है या नहीं करनी, या इस पर एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी यहां लगा दूंगी, आप लोग जाकर जरूर देख लेना। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम साबित करते हैं कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है कि नहीं। नंबर वन पॉइंट कि इस पे कहा गया है कि दो दिन में शर्तिया रंग गोरा करती है। दो दिन में कोई भी मेडिकेटेड क्रीम शर्तिया रंग गोरा नहीं कर सकती, ठीक है। जो क्रीम आपको शर्तिया रंग गोरा कर रही है दो दिन में या कर देती है या दावा कर रही है, वो कभी भी मेडिकेटेड क्रीम नहीं हो सकती और वो शर्तिया फॉर्मूला क्रीम हो सकती है, ठीक है। फॉर्मूला क्रीम ही इस तरह के करामात दिखाती है। उसके बाद नंबर टू की अगर इसकी बात की जाए पैकेजिंग की, कंसिस्टेंसी की और इसके फॉर्मुलेशन की, तो यार हमें नहीं पता कि इसमें कौन से इंग्रीडियंट शामिल है, ठीक है। और ये जिस तरह का इसका टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला क्रीम्स की तरह का, इसका पैकेजिंग सारा कुछ फॉर्मूला क्रीम्स की तरह का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री की। अच्छा जनाब, तो पॉइंट नंबर थ्री ये है कि अगर ये एक अच्छी मेडिकेटेड व्हाइटनिंग क्रीम है तो इसके अंदर एमल्शन ऐड करने की क्या जरूरत है। एमल्शन जो कि ग्लूपाटॉन के नाम से है, उसमें ऑलरेडी ग्लूटाथायोन है, ठीक है, उसके अंदर कोजिक एसिड है। अगर हम खाली वो एमल्शन ही यूज कर लेते हैं तो वही हमारा रंग गोरा कर देगा, इसमें मिक्स करने की क्या जरूरत है। मतलब कि ऑलरेडी एक केमिकल वाली, मरकरी वाली क्रीम मैं इसको कहूंगी, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके इंग्रीडियंट्स नहीं पता। होम्यो क्योर के नाम से है, ना ये होम्यो है ना ये क्योर है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता इसके बारे में। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि बाज़ औक़ात हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम अपने नुकसान, अपनी स्किन का कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं, और उसके बाद फिर हम ढूंढते फिरते हैं हल के। यार आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारी लड़कियों के, गांव वाली खासतौर पर औरतों के, आप लोगों ने देखा होगा कि नोज पर, चीक्स पर बहुत ज्यादा सिवियर किस्म की छाइयां बन जाती हैं, सख्त वाली, ऐसी ढीठ छाइयां कि जो कभी जाती भी नहीं है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो क्यों बनती हैं, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि गांव में अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, लोगों को बस सिर्फ गोरा होने का शौक होता है कि हम गोरे हो जाए, सफेद हो जाए, चिट्टा गोरा रंग कर लें। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें कोई भी जो फॉर्मूला क्रीम बना के दे रहा होता है मार्केट में, दुकान पर जाते हैं, वहां पर हम जाकर देखते हैं जो बंदा जहां पे लिखा होगा ना शर्तिया रंग दो दिन में गोरा, वही क्रीम हम सबसे पहले उठाएंगे कि ये वाली क्रीम लगा के देखेंगे यार इससे रंग गोरा होता है। हम सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दबाजी मांगते हैं कि यार दो दिन में चिट्टे गोरे सफेद हो जाएं, तो उस चक्कर में हम उठा लाते हैं। उसके बाद जब मल मल के बेशुमार फॉर्मूला क्रीम्स घरों में बनाई जा रही होती है, आप लोगों को पता ही नहीं कितनी तादाद में आप लोग स्टीरॉयड उसमें मिक्स कर रहे होते हैं, आप लोग पता नहीं वो कौन कौन सी क्रीम्स हैं जो कि वो बेटनोवेट, डर्मोवेट टाइप की चीजें जो कि कभी भी स्किन पर, फेस पर लगाने के लिए, गोरा करने के पर्पज से नहीं बनाई गई है, लेकिन हम लोग उसमें मिक्स करके अपने फेस पर लगा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी स्किन का कितना नुकसान कर रहे हैं। आपकी ये छाइयां क्यों बन जाती हैं, क्योंकि हमारे फेस के ऊपर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि स्किन की ऊपर वाली लेयर जो है वो उतर जाती है। उसके बाद हमारी स्किन के साथ क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। हमारी स्किन के ऊपर जब सन की यूवी रेज पड़ती है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि सूरज की शुआएं जो है वो डायरेक्टली हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो हमारी स्किन के ऊपर गंदी और काली छाइयां पड़ जाती हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, इतने ज्यादा नुकसान मैंने लोगों के, अब मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगी, आप देखना। एक लड़की ने फॉर्मूला क्रीम्स बना के लगाई हुई थी, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी शेयर की है, उसकी स्किन इतनी बुरे तरीके से रेड हुई हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब खुदारा इन क्रीमों से बचें, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आया हुआ है लास्ट वीडियो का, अगर आप जाके कॉमेंट सेक्शन देखें भरा पड़ा है, मुझे 200+ कॉमेंट्स लोगों के आए हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया, ऑब्वियसली उनको वक्त की
रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया कि इसको यूज ना करें, मेरे चेहरे पर पिंपल आ गए, मेरा चेहरा ऐसा हो गया, मेरे चेहरे पर रेडनेस हो गई है, स्किन सेंसिटिव हो गई है, और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने बताई हुई है। मैंने मेरे बहुत से जानने वालों ने इसे यूज किया और बताया कि खुदारा इसे यूज ना करें। तो मेरा फर्ज बनता था कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इतनी ज्यादा प्रमोट की जा रही हो, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि डकी भाई या फिर सिस्ट्रोलॉजी जो है वो झूठ बोल रहे हैं यार, उनको मे बी उनको ना पता हो इन चीजों के बारे में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि डकी भाई या और भी बड़े यूट्यूबर्स जो है वो इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। नहीं जनाब, हो सकता है उनको पता ना हो या इसके नुकसान के इंग्रीडियंट्स के बारे में मालूम ना हो। तो जो चीज मुझे मालूम है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अवेयरनेस पैदा कर दूं, ताकि आप लोग जो है वो इसके नुकसान से बच सके। मेरा काम तो यही है, जाहिर है एज अ ब्यूटी ब्लॉगर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को हर चीज अच्छी बुरी बताऊं, स्किन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अगर आप लोग यूज करें, क्योंकि मुझे बहुत गंदा फीडबैक मिल रहा है इन क्रीम्स के बारे में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और जनाब कमेंट्स में आके मुझे जरूर बताना कि किस किस ने क्रीम यूज की है, इसको कैसे रिजल्ट्स मिले, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।